शङ्खं चक्रं जलौकां दददमृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छान्तिरुद्यांशुकपरविलसन मौलिमं भोजनेत्रं कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यम् वंदे धन्वंतरिं निखिलगदवन प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलं। अब तक समान वायु और उदान वायु हुआ है, आज प्राणवायु का विश्लेषण हम करेंगे। प्राणवायु प्राणवायु इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि ये हमारे शरीर का धारण करता है, इसलिए प्राणान धारयति इति प्राणः ऐसा कहा है। ये हमारे शरीर में सब जो क्रिया है वो समस्थिति में लाता है। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम आया तो हमारा जो शरीर का जीवित हानि हो सकती है, इसलिए ये हमारे जीवित के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसलिए इसको जीवित भी कहा है। तो ये आज हम प्राण ले रहे हैं और प्राण वायु के हिसाब से आज तीन अलग अलग हम फैक्टर्स देखेंगे प्राण वायु के हिसाब से। तो ये प्राण वायु का जो स्थान है उस स्थान के बारे में हम स्टार्ट करेंगे। स्थानम प्राणस्य मूर्धोरः कंठ जिह्वा अस्य नासिकः, ये चरक चिकित्सा में बताया है। इस प्राण का स्थान क्या बताया है, मूर्धा मुझे तालु, कंठ जिह्वा अस्य मतलब मुख और नासिका, ये प्राण वायु का स्थान है। और उसके साथ ये स्थान मतलब क्या है, वो वहां स्थित है। और संचार स्थान मतलब हमने देखा है, समान में भी देखा है उदान में भी देखा है कि स्थान और संचार स्थान अलग होता है। स्थान में वो स्थित रहता है और सबसे इंपॉर्टेंट इसका मेन जो स्थान है प्राणोत्र मूर्धगा, मतलब ये शिर स्थान में इसका स्थान मेन स्थान है जहां से वो अपने पूरे शरीर को कंट्रोल करता है प्राणोत्र मूर्धगा, ये जो वाग्भट आचार्य ने बताया है। उसके साथ इसका संचार क्या है, संचार क्षेत्र बताए उर कंठ चरो, उर संचार स्थान है और कंठ है इसका संचार स्थान है। उसके साथ इसका संचार स्थान सुश्रुत आचार्य ने बताया वायु यो वक्त्र संचारी स प्राणो नाम, मतलब वक्त्र मतलब क्या, मुख विवर, जो मुख का विवर है उसको वक्त्र कहा है, मुख विवर में इसका संचार स्थान है। और उसके साथ इसका एक संचार स्थान एक इंपॉर्टेंट जो चरक सिद्धि स्थान में बताया गया है वो है शिरसी च इंद्रयानी इंद्रिय प्राण वाहानी स्त्रोतांसी, सूर्यमेव गभस्तया स अश्रितानि, मतलब क्या है, ये क्या है संचार स्थान के बारे में बताया कि मस्तक में जो इंद्रिय है ये सर्व इंद्रिय प्राण व स्त्रोतस के अंडर आते हैं, मतलब जो मस्तक है उसमें सूक्ष्म स्तर के पूरे शरीर के जो इंद्रिय है प्राण व स्त्रोतस के, उस जगह पूरे इंद्रिय तक संचार करना ये प्राण वायु का कार्य है। मतलब हमारे शरीर में जहां जहां स्पर्श है जहां जहां संवेदना है वहां सब जगह प्राणवायु कार्य करता है। आपको जहां भी स्पर्श पता चले प्राणवायु है, संवेदना पता चले प्राणवायु के वजह से संवेदना और स्पर्श है। दूसरा इंपॉर्टेंट है, अभी देखिए मर्म में बताया गया है कि मर्म क्या, प्राणाधिष्ठान,
प्राण का अधिष्ठान है, जीव का अधिष्ठान है, ये मर्म के बारे में बताए। इसलिए मर्म को अगर आघात होता है तो प्राण का नाश होता है, जीवित का नाश होता है। इसलिए ये अधिष्ठित मर्म में स्थित में है, इसलिए प्राण नाश कहा है। तो वेदना सबसे ज्यादा अभाव, जैसे रुक वेदना बताई या कोई भी जहां मर्म में कई जगह वेदना जाता है, कई में इंद्रिय का रास होता है, ऐसे जो मर्म है वहां स्थित प्राणाधिष्ठान, ये प्राण का अधिष्ठान है, वहां स्थित भी है, वहां संचार भी कर रहा है। अभी इस प्राण के बारे में हम देख रहे हैं तो हमें ये पता चलेगा कि आप आज जो प्राण हम ले रहे हैं वो कौन सा प्राण है, प्राण वायु ले रहे जो बाहर से ले रहे हैं, या कौन सा प्राण है आज जो हम लेक्चर या उसका व्याख्यान अभी ये कर रहे हैं, ये प्राण कौन सा है। ये प्राण जो हम वायु के जो पांच प्रकार ले रहे हैं, कौन से प्रकार, प्राण उदान व्यान समान अपान, ये जो वायु के पांच प्रकार है, उस वायु के पांच प्रकार में से जो वायु है वो प्राण आज हम ले रहे हैं, और उस प्राण का स्थान है प्राणोत्तर मूर्धगा, मतलब जो शिर जो है वो शिर इसका अधिष्ठान है, जहां इसका स्थान है वहां से वो सब कंट्रोल कर रहा है। तो ये जो प्राण वायु आ रहा है उसका क्या है, फिर प्राण हम सब देख रहे हैं प्राणवायु प्राणवायु प्राणवायु, तो ये दो अलग चीजें हैं, ये प्राण अभ्यंतर प्राण अलग है और ये जो बाह्य प्राण अलग है। हमें ये पता है कि शरीर में दो प्रकार के बाह्य प्राण है, एक बाह्य प्राण है एक अभ्यंतर प्राण है। बाह्य प्राण कौन कौन से है, बाह्य प्राण है अन्न वायु और जल, ये क्या है, ये बाह्य प्राण है। इसको बाह्य प्राण क्यों कहा है, ये भी अगर आपने अन्न नहीं लिया कुछ दिनों तक क्या होगा, जीवित हानि होगी, जल नहीं लिया क्या होगा, जीवित हानि होगी, वायु जो प्राण वायु अगर नहीं लिया वो तो शीघ्र ही जीवित हानि करता है, इसलिए इसको बाह्य प्राण कहते हैं। ये जो बाह्य प्राण है, इस बाह्य प्राण को अंदर शरीर भाव में लाने के लिए ये जो इंपॉर्टेंट है ये अभ्यंतर प्राण है। ये जो बाह्य प्राण कोई भी हो, इस शरीर में लाके शरीर भाव में रूपांतर करने के लिए जो क्रिया की जाती है, ये सब क्रिया अभ्यंतर प्राण से होती है। और ये हमारे शरीर में अभ्यंतर प्राण कौन से है, अभ्यंतर प्राण है इंद्रिय है शरीर है ये मन है आत्मा है, अभ्यंतर प्राण का है, इसका पोषण ये बाह्य प्राण करते हैं, इसका प्रीणन बाह्य प्राण करते हैं। और ये बाह्य प्राण को जो हम कभी जो वायु हम लेते हैं इसको प्राणवायु कहा जाता है, लेकिन ये प्राणवायु और अभ्यंतर प्राणवायु दोनों डिफरेंट है। अभी डिफरेंट कैसे है थोड़े बता देता हूं। इसके हिसाब से हम जब प्राण के हिसाब से श्वास लेते हैं, श्वास के हिसाब से हमें बताया कि ये श्वास कहां कहां से आता है, ये अभ्यंतर प्राण क्या करता है और बाह्य प्राण, हम अभी जो बताएंगे यही उच्चार करेंगे। एक तो प्राण मतलब कुंडली अभ्यंतर प्राण, बाह्य प्राण मतलब जो बाहर से हमारे शरीर में आने वाला जो वायु है जो शरीर का धारण पोषण कर रहा है, शरीर की जीवित हमारा रख रहा है वो बाह्य प्राण। ये दोनों हम प्राण और बाह्य प्राण ऐसा थोड़ा यहां बताएंगे। अभी ये अभ्यंतर प्राण क्या करता है, बाह्य प्राण अंदर आने के लिए, बाह्य प्राण अंदर आने के लिए पहले क्या करता है, जो शरीरस्थ प्राण है शिरस्थ प्राण, ये शिरस्थ प्राण क्या करता है, पहले क्या करता है, जो श्वास मार्ग में जो अवयव है कोई भी, जो श्वास मार्ग में कौन से अवयव आते हैं उसके स्नायु को विकसन का काम करना, उसको विकसित करना या विकसन का काम करना, ये अभ्यंतर प्राण जो शिरस्थ में बैठा है, शिरस्थ प्राण कहेंगे आप उसको, शिरस्थ प्राण ये कार्य करता है। उसके साथ ये शिरस्थ प्राण क्या करता है, जो नाभि पटल है, जो नाभि पटल के साथ जो उर के जो स्नायु है, उर के स्नायु को वो प्रेरणा देता है और उदर के स्नायु को भी प्रेरणा देता है, उसके वजह से उदर का जो पार्ट है जो भाग है वो बड़ा हो जाता है और उसके वजह से जो बाह्य प्राण अंदर आता है। जब तक ये शिरस्थ प्राण ये कार्य नहीं करेगा तब तक बाह्य प्राण अंदर आ नहीं पाता और अंदर आने के बाद वो जीवित का कार्य नहीं कर सकता। इसलिए शिरस्थ प्राण अच्छा है
तभी जीवित है और बाह्य प्राण अंदर आएगा तभी जीवित है। इसलिए बाह्य प्राण को अंदर आने के लिए जो प्रेरणा दे रहा है, अंदर आने के लिए जो कार्य कर रहा है, वो शिरस्थ प्राण है, जो जो उदर के हो, उर के हो, कंठ के हो, मुख के हो, नासु अनासा के, इनके विवर्ज है, उसको कार्य या विकसन का काम करता है। इसके वजह से वो बाह्य प्राण अंदर आने लगता है और अंदर आने के बाद ये क्या करता है, अंदर आने के बाद ये पूरा जो बाह्य प्राण है वो क्या करता है, इस श्वसन क्रिया से आयुष्य को हमारे सुरक्षित रखता है। इसलिए प्राण को कहा है विशेषतः जीवितम प्राण, जो हमारे जीवित का रक्षण करता है, इसलिए इसको कहा है विशेषतः जीवितम प्राण। अब ये बाह्य प्राण कौन सा है, ये दोनों के हिसाब से हम थोड़ा बोलेंगे कि प्राण वायु और बाह्य प्राण, इसमें अंतर क्या है, ये दोनों डिफरेंशिएट कैसे करेंगे। जो अभ्यंतर प्राण है, शिरस्थ प्राण, इसका स्थान क्या है, इसका स्थान है प्राणोर्थ मूर्धा, मतलब शिरा शिर या मस्तिष्क, इस अभ्यंतर प्राण का स्थान है। बाह्य प्राण का क्या स्थान है, जो बाहर से अंदर आ रहा है उसका स्थान है प्राण, ये जो इसका स्थान है नाभिस्थ प्राण पवना, इसका स्थान क्या है नाभि, नाभिस्थ प्राण, प्राणवायु स्थान नाभि है, इसलिए नाभिस्थ प्राण पवन कहते हैं इसको। इसके बारे में थोड़ा श्लोक आएगा आगे, मैं आपको डिटेल बता देते हैं उसके बारे। और ये अभ्यंतर प्राण क्या करता है, अभ्यंतर जो प्राण है, जो शिरस्थ है, वो इंद्रिय हृदय मन इसके ऊपर नियंत्रण जो हो, अब शरीर का जो नियंत्रण है पूरा, ये सब जो शिरस्थ प्राण है, अभ्यंतर जो प्राण है वो कार्य करता है। और जो बाह्य प्राण है वो क्या करता है, बाह्य प्राण हमारे शरीर में आके फिर पूरे रस रक्त से शरीर में जाके, रक्त से शरीर में जाके पूरे अणु परमाणु तक जो सेल्स है, पेशी है, उसका पोषण ये प्राणवायु करता है, रक्षण करता है, जीवित का रक्षण ये प्राण करता है। ये जो है ये वात दोष का प्राणवायु जो अभ्यंतर है वो निश्वास की प्रक्रिया करवाता है, मतलब अंदर का जो प्राणवायु निश्वास प्रक्रिया हमारे शरीर में करता है, और जो बाह्य प्राण है ये सामान्य, इसलिए बाह्य प्राण है, इसलिए प्राण क्या करता है, ये शरीर का रक्षण करता है, इसलिए प्राणवायु कहा गया। लेकिन हमें कंफ्यूजन इतना हो रहा है कि प्राणवायु मतलब हम पढ़ते कौन सा है, प्राणवायु हम देखते कौन सा है, ये क्या है। तो ये दो डिफरेंशिएट करना बहुत जरूरी है कि ये प्राण मतलब ये जो हमारे शरीर श्लोक दिए हुए ये सब अभ्यंतर प्राण, जो वात प्रक्रिया में प्राण उदान व्यान समान अपान में जो वायु आया हुआ है, ये प्राण वायु का श्लोक है, जो हम प्राणोत्र मूर्धा उरक कंठ चरो, ये जो श्लोक है उसके हिसाब से उसका दूसरा श्लोक है बुद्धि हृदय इंद्रिय चित्त धृक स्थीवन शवत उद्गार निश्वास अन्न प्रवेश कृत। आज जो हम ये श्लोक देख रहे हैं, ये जो श्लोक पढ़ रहे हैं, इसका आज हम सब जो प्राण का कार्य है और किस हिसाब से ये सब कार्य होता है, ये आज हम देखने वाले हैं। इसके कार्य के हिसाब से अब अभी हमने क्या दिया, इसका स्थान देखा, इसका संचार स्थान देखा, इसके कार्य का श्लोक देखा, उसके हिसाब से अभ्यंतर प्राण क्या कार्य करता है वो देखा। उसके साथ अब हम जाते हैं ये जो श्लोक है नाभिस्थ प्राण पवना क्या है, इसका श्लोक मैं आपको ये दे देता हूं। नाभिस्थ प्राण पवना स्पष्टवा मतलब स्पर्श करता है रुत कमलांतरम कंठात बहिर्विनर्याति पातुम विष्णु पदामृत, मतलब ये क्या करता है, ये नाभिस्थ प्राण गुण हृदय कमल को स्पर्श करके जो बाहर निकलता है, फिर विष्णु पद का अमृत पीने के लिए, मतलब जो बाहर कौन है, कौन सा वायु है, विष्णु पद अमृत कहा है उसको, ये जो प्राण वायु है जो बाहर से ले रहे हैं हम, इसको अंबर पीयूष कहते हैं, लेकिन ये क्या है, विष्णु के पद को स्पर्श किया, विष्णु के पद का स्पर्श आया हुआ विष्णु पदामृत का है उसको, ये प्रेरण करता है जो हमारे शरीर में क्या अंदर आने के लिए क्या करता है, पित्वाच अंबर पीयूषम पुनः आयाति वेगता, मतलब क्या कर रहा है, ये वेग से अंदर में प्रवेश करता है, इसलिए ये शरीर के देह को प्रेरण करने के लिए प्रेणयम देहम अखिलम जीवम च
जठरानलम, देह प्रेरण करने के लिए और अग्नि को जिंदा रखने के लिए, अग्नि प्रॉपर रखने के लिए यह प्राणवायु यूजफुल होता है। देखिए क्या कर रहा है काम, ये नाभिस्थ प्राण क्या करता है, ये जो नाभि से हृदय कमल को स्पर्श करके बाहर निकल रहा है, किस लिए, जो बाहर जो विष्णु पद से स्पर्श किया हुआ विष्णु पदामृत जो वायु है, जिसको प्राण वायु का है, जिसको अंबर पीयूष का है, वो लेके वेग से अंदर आता है। वही प्राण क्या करता है, इस पूरे देह को जीवित रखता है और अग्नि को जीवित रखता है और अग्नि का कार्य प्रॉपर करता है। अब अग्नि का कैसे करेगा ये प्रॉपर, अग्नि का कार्य कैसे करता है, सिंपल सा एग्जाम्पल है, आप मुझे देखिए, अगर ये अंबर पुरुष नहीं होगा, किसी कहीं अग्नि लगाइए और अग्नि लगाने के बाद किसी के ऊपर वो बर्तन रख दीजिए, क्या हुआ, उस वक्त वो अंबर पुरुष, उस वक्त वो प्राणवायु अगर उस अग्नि को नहीं मिला तो क्या होता है, ये बुझ जाता है। इसलिए हमारे शरीर में जठराग्नि जो है, वो जठराग्नि को मापन करने का काम ये प्राणवायु करता है, जठराग्नि को अच्छा रखने का काम ये प्राणवायु करता है, ये मापन उदान वायु और ये प्राणवायु करता है, और समान वायु उसको संतुष्ट रखता है। ये जो क्रिया है अग्नि के हिसाब से, इसलिए ये प्राणवायु अग्नि के लिए इंपॉर्टेंट है। ये प्राण नाभि के हिसाब से क्या होता है, ये जो प्राण है नाभिस्थ प्राण पावना, ये क्रिया और ये कार्य कैसे करता है, अब इसको हम थोड़ा डिटेल में देखते हैं। अब ये कैसे कार्य कर रहा है, कैसे अंदर आ रहा है, ये अभ्यंतर प्राण जो है, वो अभ्यंतर प्राण पहले क्या करता है, ये क्रिया किस किस हिसाब से होते हैं, पहले नासिका से होती है, फिर मुख विवर से होती है, फिर कंठ नाड़ी से होती है, फिर फुफ्फुस से होती है, बराबर, फिर फुफ्फुस में आता है। पहले क्या करता है, नासिका से ये प्राणवायु अंदर आ रहा है, मुख विवर से, जिसको मैंने अभी बताया कि वक्त्र वायु यो वक्त्र संचारी स प्राणो नाम, सुश्रुत आचार्य ने जो बताया है ये, फिर कंठ नाड़ी में जो श्वास नालिका है, कंठ नाड़ी से ये फुफ्फुस में आ रहा है, और ये फुफ्फुस फुफ्फुस में आके कार्य कर रहा है। फुफ्फुस का वर्णन सुश्रुत आचार्य ने बताया है, लेकिन यहाँ फुफ्फुस के हिसाब से जो सब बताया गया है, ये फुफ्फुस मतलब या हृदय मतलब, हमें हृदय और फुफ्फुस ये दोनों लेना इम्पोर्टेंट है, तभी ये समझ में आएगा, समझ रहे। इसलिए हमारे हिसाब से प्राण, ये जो प्राण है, फिर ये फुफ्फुस में आता है और यही प्राण पूरे शरीर में लेके जाता है, क्या होता है, रक्तम प्राणो ही रक्तम अनुधावती, मतलब ये क्या कर रहा है, ये प्राण रक्त से आश्रय से पूरे शरीर में जाके पूरे शरीर का प्रेरण कर रहा है, पूरे शरीर के सूक्ष्मातु सूक्ष्म अणु परमाणु रेणु का पोषण कर रहा है ये प्राण रक्त से, लेकिन रक्त से जा रहा है, लेकिन फुफ्फुस के हिसाब से हम बताते शोणित पेन प्रभाव फुफ्फुसा, मतलब ये फुफ्फुस भी रक्त से ही बना हुआ है, रक्त के फेन भाग से फुफ्फुस की उत्पत्ति होती है, ये वही प्राण लेता है और वही रक्त से पूरे शरीर में जा रहा है, और रक्त से पूरे शरीर में ये प्राण की क्रिया कर रहा है। अभी ये जो प्राण की क्रिया कर रहा है, ये ऐसा ही नहीं है, ये जो श्वास प्रक्रिया होती है, जैसे हमने क्या किया, ये जो श्वास प्रक्रिया नासा मुख कंठ नाड़ी फुफ्फुस से, वैसे ही श्वसन प्रक्रिया पूरे सूक्ष्माति सूक्ष्म अणु परमाणु के पेशी में भी ये श्वसन प्रक्रिया होती है। जैसे हमने सांस ली, चलो कहीं एक जगह पेशी है अंदर, वो भी क्या कर रही है, इस रक्त से जो प्राणवायु है वो ले रही है और खुद का पोषण कर रही है और उसको जीवित जीवित रखती है, मतलब हर एक सूक्ष्माति सूक्ष्म रक्त में हो, जो मसल में हो, हड्डी में हो, कहीं भी जो अणुरेणु है, वहाँ ये श्वसन प्रक्रिया हर एक सेल में चालू है और हर एक सेल वो खुद का पोषण करती है और जीवित धारण करती है। इसलिए वायुकृत धातु पोषण शारंगधर आचार्य जी बताए, वायुकृत धातु पोषण कैसे बताया है, सिरा धमन्यो नाभिस्थ सर्वः व्याप्य स्थिता स्तनम पुष्यन्ति चानिशम वायु संयोगात सर्व धातु भी, क्या बोल रही है, नाभिस्त अस्नारा जो जो सिरा धमन्या होती है, ओनली ये सिरा धमन्या नाभिस्त नहीं है, ये नाभिस्त जो ये नाभिस्त सिरा धमन्या पूरे शरीर को व्याप्त करती है,
हमें पता है नाभिस्थ से सब जगह से सेंटर है नाभि हमारा, तो सब जगह से सिरा और धमनियां यहाँ आती है, ओनली यहाँ नहीं है, पूरे सूक्ष्माति सूक्ष्म शरीर के यहाँ ये जो सिरा और धमनी है ये व्याप्त है, और ये व्याप्त करके ये धातु के साथ वो संयोग है, और ये धातु के साथ ये सिरा से ये रक्त से यहाँ से पूरे शरीर का पोषण किया जाता है, इसलिए वायुकृत धातु पोषण बताया गया है। मतलब धातु पोषण या वायुकृत मतलब ये भी श्वसन क्रिया कर रहा है, जैसे हम सांस ले रहे हैं हृदय तक जा रहे पूरे शरीर तक पहुंच रहा है, जैसी ये श्वसन क्रिया वैसे ही धातु के रस से रक्त से मांस से मेद से अस्थि मज्जा शुक्र यहां तक की धातु पोषण क्रिया प्राणवायु की, ये प्राणवायु अभ्यंतर प्राण प्राणवायु के हिसाब से क्रिया पूरे शरीर में जीवित प्राण जो बाह्य प्राण है वो धातु पोषण क्रिया करता है और सबको जीवित रखता है। अभी तक ये हम ले रहे थे, इसलिए ये जो बार बार अग्नि और अग्नि के हिसाब से इसको कहा है जाबालोपनिषद में कहा है यशह व अग्नि योनि यह प्राण, मतलब जबलोपनिषद के कहा है यह प्राण ही अग्नि या जाठरणी का कारण है या इसकी योनि है, मतलब ये प्राण अग्नि को संदूषित रखने वाला है। ऐसे हम देखते हैं ना कि अगर कोई भी अग्नि लगाते हैं तो अगर वहाँ प्राणवायु तो ही जिंदा रहता है, नहीं तो अग्नि बुझ जाता है, वैसे हमारे शरीर को भी अग्नि को प्राकृत रखने के लिए ये प्राणवायु कार्य करता है। ऐसे ही हमने अभी ये प्राण देख रहे हैं और प्राण के हिसाब से हमने कौन कौन से देखा, एक अभ्यंतर प्राण देखा और दूसरा हम देखे वो बाह्य प्राण, दोनों समझ में आ रहे हैं। अब एक अलग से प्राण की क्रिया हम देखने वाले जो योग चूड़ामणि में आई हुई है, ये प्राण बहुत इंपॉर्टेंट है जिसके लिए हमने जन्म लिया है। मनुष्य जन्म किस लिए मिलता है, 80 लाख से योनि के बाद मनुष्य जन्म मिलता है और ये जन्म सफल करने के लिए ये प्राण कार्य करता है, और ये प्राण कार्य करने के लिए इसलिए योग चूड़ामणि में ये श्लोक आया हुआ है। और ये प्राण कैसे कार्य करता है बताता हूं थोड़ा, मतलब पहले हमने लिखा अभ्यंतर प्राण वात के जो प्रकार के हिसाब से बाह्य प्राण के बारे में हमने देखा कि वो कैसे कार्य कर रहा है और ये क्या कर रहा है। अब हम देखेंगे ये दोनों के कार्य के हिसाब से हमारा जीवित कैसे है, हमारा मोक्ष के हिसाब से जो ग्रंथ आचार्य बताए क्या है, हकारेण बहिर्याति सकारेण विशत पुनः, मतलब हकार से वो बाहर जा रहा है और फिर सकार से एकदम शुद्ध प्राणवायु वो ले रहा है, क्या कर रहा है, हंस हंसेति मंत्र जीवो जपति सर्वदा। ये जो है हंस हंसेति मंत्र जीवी जपति सर्वदा, शत शतानी दीवा रात्रो सहस्त्राविक विशंति, मतलब ये जो नीचे दिया हुआ है कि हर एक मिनट में हम कितनी सांस लेते हैं, हर एक मिनट में शायद हम 15 सांस लेते हैं, हर एक घंटे में हम 900 लेते हैं, और हर एक दिन में रात और दिन मिला के हम कितना लेते हैं, शतानी दिवा रात्रो सहस्त्राविक विशंति, मतलब 21,600 टाइम 24 आवर्स में हम सांस लेते हैं, ये प्राण हम ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं, ये क्रिया होती है। अब इसके लिए ये बताया गया है क्या, हकारेण बहिर्याति सकारेण विशत पुनः हंस हंसति, मतलब ये जो क्रिया बताए इसके लिए हमारा जीवन है, मतलब ये क्रिया क्या है, ये देखिए ये हमारे जो सिर में बैठा सिर पे है सिरस्थ प्राणवायु, यहां क्या है, बीज है हम, ये कौन है, शिव बताया है हमारे सिर। देखिए आप कभी विठल जी की मूर्ति देखेंगे तो यहाँ क्या है, शिवलिंग है, ये हम बीज है, ये जो है हमारे शिरस्त प्राण का प्रतीक है जहाँ शिवाधिष्ठित है, और ये शिवाधिष्ठित होता है ये अभ्यंतर जो प्राण है उसके हिसाब से शिरस्त प्राणोर्थ मूर्धका के हिसाब से शिव अधिष्ठित है, और यह शिव अधिष्ठित है, और जो बाहर का प्राण है कौन है, विष्णु पादामृत, जो विष्णु रूप है वो विष्णु रूप वो क्या करते हैं, बाहर का प्राण फिर वो सिरस्त लेके जाना, और ये
हरिहर मिलन होना, यही अवस्था इस प्राणवायु के हिसाब से बताइए। ये मिलन कैसा होता है? ये जो जो सदगुरु होते हैं, जो पहुंचे हुए सदगुरु होते हैं, जो एक्चुअली सदगुरु होते हैं, जो अवस्था में होते हैं, वो सदगुरु क्या करते हैं? वो सदगुरु अनुग्रह देते हैं। और ये अनुग्रह कैसा होता है? ये हमारे जो आज्ञा चक्र है, ये दो पंखुड़े हैं इसकी आज्ञा चक्र में। इसलिए ऐसा कई लोग ऐसे ये करते हैं ना, ये अर्धचंद्र होता है। ये अर्धचंद्र मतलब ये आज्ञा चक्र के दो पंखुड़े हैं और यहाँ स्पर्श करके एक हमें यो मंत्र देते हैं, और वो मंत्र देने के बाद वो वहाँ से जो जगह है, वहाँ का जो स्थान है, वो खुल जाता है और आपकी सांस यहाँ से स्टार्ट हो जाती है। इसलिए ये जो प्राणवायु है, बाहर का प्राणवायु, ये बाहर का प्राणवायु जो विष्णु रूप से है, यहाँ उसके चरण को स्पर्श करके इस शिव का जो अक्ष मिलता है, तो हरिहर मिलन है। और ये प्राणवायु ये दोनों मिलके पूरे शरीर से जाते हैं, इसलिए इसको कहा है अखंड मंडलाकारम व्याप्तम एन चराचरम तत्पतम दर्शितम एन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ये क्यों बताया है? क्योंकि ये जो प्राण है, यहां से ये कौन सा है? हरिहर मिलन का प्राण। ये पूरे यहां से पूरे शरीर में जाता है, फिर क्या करता है? शरीर से जाके वो चरण होते हैं, चरण से जो अंगूठा होता है, ये अंगूठे से वो सब एनर्जी वहां से निकलते हैं। इसलिए कभी देखे सदगुरु हम चरण को स्पर्श करते हैं, सब देवता को हम चरण को स्पर्श करते हैं, उस चरण को हम जब स्पर्श करते हैं तो हमारी बैटरी चार्ज हो जाती है। कहीं मंदिर में जाको स्पर्श है। इसलिए जो पहुंचे हुए सदगुरु होते हैं, वो पहुंचे सदगुरु को ही चरण को स्पर्श कर सकते हैं हम, क्योंकि किसी को चरण को स्पर्श करते हैं तो अपनी इतनी साधना उसमें वो सदगुरु को वेस्ट करनी पड़ती, मतलब उनकी साधना उसमें कम हो जाती है। जो पहुंचे हुए सदगुरु होते हैं वो तो कितने जन्म, मतलब उनकी साधना इतनी होती है, उसको उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए ये अनुग्रह उनसे मिलता है, इसलिए वो सोहम का जो बताया गया है वो सदगुरु देते हैं। जो अवस्था में सदगुरु होते हैं, जिनके पीछे परंपरा होती है, वही सदगुरु ये आपको अनुग्रह देके वो श्वास जो है, ये बाह्य प्राण और अभ्यंतर प्राण यहाँ से सांस चालू होते हैं। इसलिए बताए, क्या बताए हमारे पतंजलि योग सूत्र में? प्राणायाम, ध्यान, धारणा और समाधि। प्राणायाम मतलब क्या? बस हम ये कपालभाति कर रहे हैं, ये प्राणायाम मतलब ये करने वाले प्राणायाम कह रहे हैं क्या? नहीं, यहाँ जो प्राणायाम बताया है ये अंतकुंभक बहिकुंभक, मतलब यहाँ से जो प्राण लिया हुआ है ये बाह्य प्राण, फिर यहाँ मस्तक में रखना है, वही प्राण अंतकुंभक के फिर बाहर छोड़ना है, फिर वो लेना है, इसको प्राणायाम कहा है। ये प्राणवायु कार्य करता है, फिर ये प्राणवायु, ये प्राणायाम होता है तो आपको ध्यान अवस्था में फिर समाधि अवस्था प्राप्त होती है। प्राणायाम, ध्यान, धारणा, फिर समाधि अवस्था प्राप्त होती है। कभी आप ये प्राणायाम कर रहे हैं, जैसे वो कोई कपालभाति हो या ये जो अनुलोम विलोम, इससे आपको समाधि अवस्था नहीं प्राप्त होगी, ये प्राण के हिसाब से जो बताया तीसरी जो अवस्था है, ये प्राणायाम है। एक्चुअली ये प्राणायाम है, और हम प्राणायाम ये जो हम ये जो कर रहे हैं, ये सही है, अच्छा है, शरीर के लिए अच्छा है, शरीर अच्छा होगा, नो डाउट। ये प्राणायाम करके हम शरीर को अच्छा कर रहे हैं, शरीर की तंदुरुस्ती बढ़ाए, लेकिन आपको इस मनुष्य अवस्था में मोक्ष तक लेके जाने वाला, उस आत्मा के शिव हरिहर मिलन को लेके जाने वाला जो प्राण है, जो बाहर का जो विष्णु स्पर्श किया हुआ और शिवहरि का जो हम के हिसाब से जो प्राण है, ये प्राण की क्रिया, ये प्राणवायु कर रहा है। इसलिए इसको धारण दी, जीवन का धारण करने वाला, तुम्हारे कितना मतलब कितने जन्म है उसको धारण करने वाला, कितने जो जन्म है उस जन्म के हिसाब से कार्य करने वाला। इसलिए हमें श्वास दिया हुआ है, कहते हैं कि हमें श्वास दिया है, कि हमें इतने इतने श्वास है, हमारे इतने इतने लाखों या करोड़ों श्वास इनको दिए है। इसलिए जब ये सदगुरु साधना देते, तो जब साधना की जाती है, हर एक मिनट में 15 सांस लेते हैं, लेकिन जब साधना स्टार्ट हो जाती है तो वो
मिनट में दो या तीन, कभी चार, कभी पांच, मतलब कितने सांस हो गए, मतलब मिनट में 15 सांस लेने वाले मिनट में तीन ही सांस ले रहे, कभी दो ही सांस ले रहे, कभी पांच ही सांस ले रहे, मतलब आपके तो सांस उस ब्रह्म उन्होंने दिए हुए वो फिक्स है, उससे आपको कहीं एक सांस भी ज्यादा नहीं मिले, एक श्वास भी ज्यादा नहीं मिलेगा। अगर आपकी साधना के हिसाब से एक मिनट में अगर पांच सांस ले रहे तो आपके 10 सांस भी बच गए। इसलिए जो ऋषि मुनि होते थे इनकी आयु क्यों है इतनी बड़ी, क्योंकि जितने सांस उनको सांस दिए हुए है, उनके श्वास जो है उन्होंने दिए हुए, और वो श्वास उनके अगर मिनट में एक ही हो रहा है, किसी किसी को तो ये जो है सांस बंद करके वो सांस यहाँ के रोक देते हैं, इसको ही संजीवन अवस्था कहते हैं। तो वो अंदर के अंदर सांस चालू हो जाता है, और ये श्वास चालू होता है तो ये जो प्राण अंदर के प्राण की क्रिया से जो एनर्जी बाहर निकलती है इसको धनंजय वायु कहा जाता है, जो नीले रंग का होता है, ये प्राण की क्रिया से प्राण की अवस्था से होता है। इसलिए योग चूड़ामणि में जो प्राण वायु के बारे में बताए, हकारेण बहिर्याति सकारेण विशत पुनः हंसा हंसेति मंत्र जीवे जपति सर्वदा। इसलिए वो मंत्र जपने के लिए कहा है, इसलिए सदगुरु को शरण जाने के लिए कहा, और सदगुरु को शरण जाने के बाद सदगुरु अनुग्रह देंगे। और ऐसा कहा है हमारे वेद में कि जो हमारा बच्चा हो, जिसके ऊपर आपका बहुत प्यार हो, वो बच्चा दे दो लेकिन मंत्र ना दे दो, क्योंकि अगर सदगुरु जो है अगर वो मंत्र देते हैं तो उस मंत्र देने के बाद उसको अनुग्रह देते हैं, अनुग्रह देने के बाद उनको उसके मोक्ष अवस्था तक कितने जन्मों तक उनको देखना पड़ता है, और उनका सब वो उनकी जो क्रिया है वो उनको सदगुरु को करनी पड़ती है। इसलिए सबसे इम्पोर्टेंट हमें इस अवस्था से उस अवस्था तक जाना है तो सदगुरु जी का अनुग्रह मिलना बहुत इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि सही प्राणवायु की क्रिया उस वक्त स्टार्ट हो जाती है, प्राणायाम ध्यान धारणा समाधि। अब हम क्या करें, जीवित के लिए जो प्राण वायु शरीर के लिए उसकी क्रिया जो अभ्यंतर प्राण इस प्राण से कर रहे ये क्रिया हमारी चल रही है, और हम क्या करेंगे ये क्रिया करेंगे फिर हमारा जीवित खत्म हो जाएगा, फिर हम क्या करेंगे फिर नया जन्म लेंगे, फिर वो क्रिया स्टार्ट हो जाएगी। नहीं, इस जीवित के लिए 80 लक्ष योनि से हमें ये क्यों दिया हुआ है, इसलिए ये प्राणवायु को वहां तक लेके वो विष्णु का स्पर्श किया प्राणवायु वहां जाके हमें मोक्ष अवस्था सदगुरु कृपा से प्राणायाम ध्यान धारणा और समाधि अवस्था जाके मोक्ष अवस्था तक लेके जाने वाला ये प्राणवायु है, ये धारण कर रहा है। इसका हमें जो मिल रहा है उसको हरेक क्षण में हमें याद होना चाहिए कि यह हमारा जीवित है और हमें जन्मों जन्म का जीवित है, इस हिसाब से ये क्रिया कर रहा है। अभी तीन पता चले, एक प्राणवायु अभ्यंतर जो अभ्यंतर क्रिया कर रहा है वो बाह्य प्राण को लेके आ रहा है, बाह्य प्राण, और ये जो हरिहर मिलन के हिसाब से प्राणायाम ध्यान धारणा समाधि इस हिसाब से जो क्रिया करने वाला है वो हमने अभी देखा। अब हम जाते हैं आगे की क्रिया की तरफ कि इन्होंने अभी एक एक हिसाब से इसका भी कार्य क्या है, क्या कार्य है इसका, इसका कार्य है बुद्धि हृदय इंद्रिय चित्त ध्रुक स्थीवन शवत उद्गार निश्वास अन्न प्रवेश कृत। मतलब क्या है, ये बुद्धि का धारण कर रहा है, ये हृदय का धारण कर रहा है, ये इंद्रिय का धारण कर रहा है, ये चित्त का धारण कर रहा है, इसका कार्य स्थीवन शवत उद्गार निश्वास अन्न प्रवेश कृत, ये इसका ही कार्य है। अब ये जो सब है ये कैसे कार्य कर रहा है एक एक करके हम देखेंगे, क्योंकि इसको क्या कहा है, प्राणः प्रिणति भूतानि प्राणो जीव इति स्मृता। इस प्राणवायु की क्रिया जब तक है तब तक हम जीवित है, अगर इस प्राणवायु की क्रिया अगर बिगड़ने लगी, इसका कार्य प्रॉपर नहीं होता तो हम मृत अवस्था में जाएंगे। इसलिए विशेषतः जीवितम प्राणा, इस प्राणवायु को जीवित ऐसे कार्य करा है। अब आगे जाके हम एक एक करके ले लेते हैं, पहला जो है बुद्धि रुद्र इंद्रिय, आप जाते हैं बुद्धि मतलब बुद्धि द्रुक मतलब बुद्धि का धारण ये कैसे करता है,
ये प्राणवायु का कार्य हम देख रहे हैं, हमने इस हमारे शरीर के कौन से सूक्ष्म सूक्ष्म अंग तक ये कार्य कर रहा है आज अभी हम देखेंगे। बुद्धि द्रुक, अब ये बुद्धि क्या कर रही है, जो इंद्रिय से मन की तरफ जो संवेदना आ रही है, ये मन की जो मन की तरफ संवेदना जाते हैं, हम क्या कर रहे हैं, ये कौन सा कार्य अच्छा है और ये कौन सा कार्य अच्छा नहीं है, इसका जो निर्णय ले रही है और निर्णय लेने के बाद जो कार्य करेगी, ये जो है ये बुद्धि। अब इसमें क्या कर रहे है? बुद्धि क्या कर रही है, दी दी मतलब जो क्या कहना है, अच्छा जो है जो बुरा है वो सोच रही है, उसको अभी उसको आगे जाके प्रैक्टिकली उसको देखना है, तो उसका कार्यक्रम ध्रुति कर रही है। धी ध्रुति और स्मृति के हिसाब से ये बुद्धि कार्य कर रही है। अभी ध्रुति, ध्रुति मतलब क्या है, ध्रुति के हिसाब से धारणा शक्ति, ये धारणा शक्ति क्या कार्य कर रही है, ये धारणा शक्ति प्राणों के हिसाब से जो बुद्धि ने लिया हुआ जो निर्णय है, वो निर्णय अभी उसको प्रैक्टिकली उसको करना है, इसकी कार्य पूर्ति करना, जो निर्णय अभी मुझे क्या करना है, अभी मुझे यहां से इस रास्ते से जाना है, तो ये कार्य, ये जो बुद्धि ने निर्णय ले लिया कि ये करना है ये वो करना है, अब ये हमने उन्होंने सोच लिया कि मुझे दो रास्ते, तो मुझे किस जगह से जाना है, तो मुझे इस रास्ते से जाना है, वो कार्य पूर्ति का जो काम है ये ध्रुति का कार्य कर रही है। और उसके बाद ये जो है स्मृति का कार्य कैसे करते, ये बुद्धि के हिसाब से थोड़ा मैं और एक बता देता हूं क्या है, ये जो बुद्धि होती है दो टाइप की बुद्धि होती है, एक क्षणिक क्षणिक बुद्धि होती है और दूसरी होती है निश्चयात्मक बुद्धि। निश्चयात्मक बुद्धि मतलब क्या है, जैसे मैंने एग्जांपल दिया था कि आपने पेट भर खाना खाया है, अब पेट भर खाना खाने के बाद आपको कुछ नहीं जाएगा अभी, लेकिन आपके पास सामने भजिया ला के रखी, किसी को कुछ पसंद हो, किसी को आइसक्रीम पसंद हो, किसी को वजी पसंद हो, किसी को रबड़ी पसंद हो, कुछ भी आपके सामने ला के रखे, लेकिन आप तो खा नहीं सके, लेकिन आपके पसंदीदा आपके सामने जब ला के जाए तो बुद्धि क्या कहती है, मत खाओ आप बीमार हो जाओगी, लेकिन मन क्या कह रहा है, मन क्या होता है, मन भावनात्मक होता है, वो क्या कह रहा है, चलो एक बार खाने से क्या होता है, चलो कुछ नहीं होता, तो एक बार खाने से क्या होता है, तो हम वो खा लेते हैं, इसको कहते हैं प्रज्ञापराध। ये मन की प्रज्ञापराध जो है वो प्राणवायु के प्रेरणा से ही हो सकता है, अगर प्राणवायु अच्छा है तो प्रज्ञापराध नहीं होता। ये जो बुद्धि का कार्य है जो निश्चयात्मक बुद्धि होती है, और ये निश्चयात्मक बुद्धि भी दो टाइप की होती है, क्या होती है, इंद्रियगत बुद्धि मतलब इंद्रिय से उत्पन्न होने वाली बुद्धि और मनोभाव बुद्धि। इंद्रिय से उत्पन्न होने बुद्धि कैसी है, वो पांच टाइप की है, कैसी है, श्रोत्रेंद्रिय बुद्धि, रसनेन्द्रिय बुद्धि, चक्षुरेन्द्रिय बुद्धि, घ्राणेन्द्रिय बुद्धि बुद्धि और स्पर्शनेन्द्रिय बुद्धि। अब ये क्या है, चरक आचार्य कहते हैं कि जिस इंद्रिय के माध्यम से ज्ञान की या बुद्धि की उत्पत्ति होती है, ये इंद्रिय उसको इस इंद्रिय से बुद्धि को संबोधित किया जाता है। मतलब क्या है, चलो अब मैं आंखों से कुछ तो देख रहा हूं, आंखों से मैं अभी ये देख रहा हूं, बराबर आंखों से मैं जब देख रहा हूं तो ये क्या है, ये कौन सा है, इससे कौन सी क्रिया होने वाली है, ये अच्छा है या बुरा है, ये किस वजह से हुआ, जब मैंने देखा तब हुआ ना, देखने बाद क्या हुआ, ये चक्षु इंद्रिय बुद्धि है कि इसमें से अच्छा क्या है बुरा क्या है। हम चलो कहीं कुछ देखते हैं, कोई चीज अच्छी होती है कोई चीज, चलो किसी मंदिर में जा रहे हैं तो हमें पता है कि इस भगवान को देखने के बाद मुझे शांति मिलेगी। अब अगर हम कहीं खराब जगह जाते हैं जहां दुर्गंध है, हम वो देखते हैं, खराब पानी भी देखते हैं, तो हमें क्या होता, तकलीफ होती है। लेकिन ये जो बुद्धि है, ये जो बुद्धि क्या कहती है कि हमें किस जगह जाना है, कौन से कार्य करना है, ये चक्षुरेंद्र उस बुद्धि को वो कार्य, क्योंकि उस इंद्रिय के वजह से उसको बुद्धि कहा गया। जैसे हमने कई कुछ तो सुगंध लिया, जैसे मोगरा है, मोगरे का हमने सुगंध लिया, तो वो बुद्धि जो है कि हाँ ये अच्छी है, उस मतलब इंद्रिय की बुद्धि कहा जाती है कि अच्छा है या बुरा है, ये लेना है नहीं लेना है, अब इसके इसके जगह यहाँ मतलब यहाँ से आपको तकलीफ होगी बाद में या नहीं होगी, ये जो क्रिया है ये क्रिया ये बुद्धि उस इंद्रिय से ली जाती है।
जैसे स्पर्श है, ये स्पर्श लेने के बाद चलो छोटा बच्चा उसको स्पर्श करने के बाद ये अच्छा स्पर्श है या बुरा स्पर्श है, ये स्पर्श से ये जो प्राण वायु जो है वो कार्य करवाता है। क्योंकि यह जो क्रिया है, मैंने बताया था कि प्राण की क्रिया कैसी है, प्राण की क्रिया अनुलोमन क्रिया है। उदान की क्रिया कैसी है, प्रतिलोम क्रिया है। मतलब व्यक्त होना ये जो क्रिया है ये किसका है, उदान वायु का। लेकिन जो पांच भौतिक क्रिया है जो अंदर की तरफ आ रही हमारे शरीर के, इसको अनुलोम गति कहती है। वो जो सब क्रिया है वो प्राण वायु के प्रेरणा से होती है। जैसे मैंने कुछ देखा वो अच्छा है बुरा है वो समझ के मन की तरफ लेके फिर वो आत्मा की तरफ बुद्धि, मन का, मन और बुद्धि का संयोग करके उसको समझाना, ये जो कार्य है ये प्राण का कार्य है। मतलब ये अच्छा बुरा मन को बताना, मन और बुद्धि का संयोग करना, मतलब प्राण का सबसे इंपॉर्टेंट कार्य क्या है, मन और बुद्धि का संयोग करना। और मन और बुद्धि का संयोग करके उसको उस प्रॉपर क्रिया तक लेके जाना, और सात्विक क्रिया तक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सात्विक क्रिया तक लेके जाना। जब हम मन में आएंगे सात्विक क्रिया क्या है मैं आपको डिटेल बताऊंगा। क्योंकि जब प्राण वायु होता है तो प्राण वायु से हम सात्विक क्रिया करते हैं, अच्छी ही क्रिया करते हैं। गलत क्रिया, प्राण वायु अच्छा नहीं होता तो गलत क्रिया की तरफ वो हमें मन लेके जाता है। क्योंकि मन को अच्छी क्रिया तक लेके जाने का सब जो क्रिया और वो कर रहा है वो प्राणवायु कर रहा है, वो प्राणवायु की प्रेरणा से होता है। इसलिए ये पंच ज्ञानेंद्रिय जो है, ये पंच ज्ञानेंद्रिय की जो पांचों संवेदना है वो अंदर तक लेके जाने का ये जो कार्य है ये प्राणवायु का, इसलिए इसको अनुलोम गति कहते हैं। मतलब सांस को अंदर लेके जाना, जो शब्द सुना है श्रोत्रों को अंदर लेके जाना, स्पर्श है स्पर्शों को अंदर लेके जाना, जो देखा है वो देखने के बाद ये अंदर लेके जाना, ये जो सब के सब जो क्रिया है, जो प्राण जो इंद्रिय की अंदर तक लेके जाने की क्रिया सब जो कर रहा है अनुलोम गति वो प्राणवायु कर रहा है। इसलिए अगर स्पर्श नष्ट होता है प्राणवायु का, अगर देखने में कोई प्रॉब्लम आता है वो सब प्राण, तो हम प्राणवायु की ट्रीटमेंट कभी देखते नहीं, प्राणवायु की ट्रीटमेंट नहीं हम करते। सुनने में कभी प्रॉब्लम आया तो प्राणवायु की तरफ हम नहीं जा रहे, समझ रहे। सांस में कोई प्रॉब्लम आए, सांस लेने में कोई दिक्कत आ रही है तो ये प्राणवायु की क्रिया कहा पिघड़ने या उसके हिसाब से कोई बीमारी है जो प्राणवायु को, प्राणवायु की क्रिया के हिसाब, या प्राण जो हमारा शरीर में है जो अभ्यंतर प्राण जो बिगड़ा हुआ है उसको हम अच्छा करेंगे तो उसकी क्रिया प्रॉपर होगी, ये हमने कभी सोचा है? हम ये सब सोचेंगे तब हमें इसके रिजल्ट्स प्रॉपर आने लगेंगे। तो ये समझ लें कि अनुलंब गति से जो ले रहा है ये कौन है, ये जो सब है ये प्राणवायु कर रहा है, प्राणवायु के क्रिया के वजह से होता है, ये क्रिया हमें प्राण के प्रेरणा से होती है। लेकिन ये कौन है, अभ्यंतर प्राण जो सिरस्थ रहता है, जो सिर में उसका स्थान है, वो प्राण हमसे करवा के ले रहा है। अभी ये जो है, अब मनोभव बुद्धि जो अभी हमने डिस्कस किया उसमें भी मनोभव बुद्धि अच्छा और बुरा उस हिसाब से जो क्रिया करते, जब हम चित्त ध्रुक आएंगे तो इसका विश्लेषण डिटेल हो जाएगा और उसकी क्रिया कैसे हमारे शरीर में होती है वो भी हमें समझ में आ जाएगी। हम आगे जाते हैं, ये बहुत डिटेल हो सकता है लेकिन हमारे लिए अभी बहुत टाइम कम है और ज़्यादा है। चित्त ध्रुक बुद्धि हृदय, हम जाते हैं हृदय। तब ये हृदय का धारण करने का भी काम ये प्राणवायु करता है। अब यह हृदय के हिसाब से हमें क्या करना है, हृदय के हिसाब से हमें हृदय भी लेना है और फुफ्फुस भी लेना है, और कई जगह हृदय मतलब हृदय और मस्तिष्क भी कहा है। तो हम हृदय दृक क्या है तो बता देते हैं। षडंगम अंग विज्ञानम इंद्रियाणि अर्थ पंचकम आत्मा च सगुण चेत चिंत्यम च रुधि संश्रितम प्रतिष्ठार्थ ही भावना मेषाम हृदयम इष्यते। मतलब क्या है, अभी यहाँ बताया है कि जो शरीर में जो अंग प्रत्यंग है, ज्ञानेन्द्रिय है, मन है, आत्मा आदि जो है पदार्थ, जो क्रिया है शरीर की, ये जो प्रॉपर करने जो क्रिया करना है ये कौन, ये प्रॉपर क्रिया कौन करता है, हृदय करता है।
ये हृदय के ऊपर अवलंब होती है। हृदय के ऊपर अगर हृदय में कोई बिगड़ आता है तो जो अंग प्रत्यंग हो, ज्ञानेन्द्र हो, मन आत्मा, इसकी क्रिया में प्रॉब्लम आ जाता है और इस आयुष्य का नाश होता है। ये जो हृदय के हिसाब से स्पंदन बताया है, ये अव्याहत स्पंदन करने का कार्य ये कौन करता है? ये प्रेरणा देता है ये प्राण। ये अव्याहत स्पंदन करने का काम जो कर रहा है ये प्राण, ये जो व्यान के क्रिया से होता है लेकिन इसको प्रेरणा देने वाला प्राण है, क्योंकि ये प्राण वायु है। हृदय का पोषण रोहिणी मार्फत होता है लेकिन उसका जो मल है नीला मार्फत बाहर निकलता है। ये जो प्राण होता है, हृदय को भी पोषण चाहिए, हृदय को भी खाना चाहिए। ये जो प्राण रोहिणी मार्फत हृदय को अभी पोषण करने वाला ये प्राणवायु और हृदय की भी क्रिया प्रॉपर करने वाला ये प्राणवायु, क्योंकि हृदय से जो मस्तिष्क है, जो शी मातुलुंग है, वहां तक प्रॉपर रस रक्त वस्तु रक्त वह प्रॉपर तरीके से वहां लेके जाके शिर का कार्य प्रॉपर करना, ये भी क्रम हृदय और प्राणवायु की वजह से होते हैं। और शिर को जो अंदर की जो धमनी है उससे हृदय को प्रेरणा देके उसका स्पंदन प्रॉपर रखने का कार्य ये शिर करता है। इसलिए ये जो हमारे मर्म है हृदय और जो मस्तिष्क है ये एक के ऊपर अवलंब है। अगर हृदय की क्रिया बिगड़ने लगी तो शिर की क्रिया और शिर के कार्य में बिगाड़ आया तो हृदय की क्रिया ये व्यत्यासत होता है। ये जो क्रिया करता है, ये क्रिया कौन करता है? ये शिरस्थ प्राण करता है। और जो बाह्य प्राण है जो हृदय से क्रिया करके मस्तिष्क को पोषण करता है, ये क्रिया बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बाह्य प्राण ही अभ्यंतर प्राण का पोषण करता है, बाह्य प्राण ही शरीरस्थ प्राण का पोषण करता है। इसलिए बाह्य प्राण हमारे शरीर के प्राण का हेमगर्भ रसायन है। अगर हमारे मतलब हेमगर्भ रसायन हमारे आयुर्वेद शास्त्र में कहा है कि ये अवस्था है, अगर हेमगर्भ रसायन तो कोई भी बीमारी इससे बाहर निकल सकती है और उस लास्ट की अवस्था में हेमगर्भ रसायन देते हैं, वैसे ही ये बाह्य प्राण हमारे अभ्यंतर प्राण का हेमगर्भ रसायन है। अगर बाह्य प्राण कुछ सेकंड और मिनट के बले नहीं मिला तो क्या होगा? मृत्यु आता है। वही अभ्यंतर प्राण अगर वो स्नायु का विकसन प्रॉपर नहीं कर रहा है तो उससे क्या हो रहा है? वो बाह्य प्राण भी अंदर नहीं आ सकता तो उसके वजह से भी मृत्यु है। इसलिए बाह्य प्राण अभ्यंतर प्राण पे है, अभ्यंतर प्राण बाह्य प्राण पे अवलंब है और वो दोनों साथ में क्रिया करते हैं। ये हमारे शरीर के हरिहर है और ये क्रिया उस हिसाब से प्रॉपर करवा के लेते हैं। और इसलिए क्या कहा है? प्राणवानम स्त्रोतासाम स्त्रोतसाम हृदय मूलम महास्त्रोतश्च। क्या है? हृदय मूल स्थान असल्याने ये प्राण का जो क्रिया है, जो स्पंदन है, इसके वजह से होता है। प्राण स्त्रोतस का मूल स्थान भी यही है और ये पूरे शरीर का जो रक्त पुरोठा सब जगह तक लेके जाने का ये प्राण व स्त्रोतस के कार्य के वजह से होता है। और प्राण व स्त्रोतस का सेंटर सिर है जो ये कार्य करवा के लेता है। और ये जो क्रिया है अंकुचन प्रसारण जो क्रिया है, ये अंकुचन प्रसारण जो क्रिया है व्यान को प्रेरणा देके ये जो रिदमिक रहता है, ये रिदमिक करवा के लेके लेना, जो जैसे हम कहते ना हमारा हार्ट बीट जो होता है, मतलब हमारे पल्स जो 72 आने चाहिए, इसका अंकुचन प्रसारण प्रॉपर होना है, रिदम प्रॉपर होना चाहिए। ये प्राणवायु व्यान वायु के प्रेरणा से ये कार्य करता है। अगर प्राणवायु अच्छा नहीं होता तो ये रिदम भी खराब हो जाता है, अंकुचन प्रसारण प्रॉपर नहीं हो पाता और ये आगे की बीमारी इसमें हमें दिखाई देती है। इसलिए इस हृदय को धारण करने वाला, इस हृदय की क्रिया प्रॉपर करने वाला, खुद का हृदय का पोषण करके पूरे शरीर को पोषण द्रव्य प्राणवायु लेके सब क्रिया करवा के लेने वाला ये कौन है? ये है प्राणवायु, ये सब कार्य करवाता है। इसलिए हृदय को कंट्रोल करने के लिए, हृदय के बीमारी में, हृदय के जो अभी ये ब्लॉकेजेस आ रहे हैं, हृदय की सबसे बड़ी बड़ी बीमारी आ रही है, ये सब के ऊपर हम प्राणवायु के हिसाब से बहुत सोचना जरूरी है। उसकी क्रिया, उसकी दवाई के हिसाब से हमें बहुत सोचना है, क्योंकि ये जब प्रॉपर कार्य करेगा तभी ये क्रिया होगी। देखिए सांस की तकलीफ जब होती है तो कभी कभी ऐसा होता है कि
हम सांस नहीं ले पाते, कहीं तो अवरोध आया हुआ है, और अवरोध जब खुल जाता है तो प्राण ले सकते हैं हम। इसलिए कभी कभी हमें अमर पुरुष दिया जाता है, अमर पुरुष देने के बाद इजी मिलता है, कहीं बाहर कम हो जाता है इसलिए हमें कम हो जाता है, या अंदर आता ही नहीं इसके वजह से प्रॉब्लम आता है। जब हम आगे के जो स्टीवन शौत उद्गार है तब जाएंगे, तब हमें इसके बारे में बहुत अच्छा समझ में आएगा। थोड़ा हम जाते हैं हृदय दुख, आप जाते हैं इंद्रिय दुख। इंद्रिय दुख मतलब क्या, इस इंद्रिय को धारण करना जो है ये इसका काम है। इसका काम मैंने एक संक्षेप में बताया था कि सिरसी च इंद्रियानी इंद्रिय इंद्रिय प्राणवाहिनी स्त्रोतांसी। क्या कहा है, ये जो सिर में धारण किया हुआ है ये जो है प्राणवाहिनी, मतलब ये सूक्ष्म की सूक्ष्म जो है पंचनया धारण का कर रहा है, और ये जो है सूक्ष्माची सूक्ष्म सब प्राणव स्त्रोत का, यहाँ हम कहते हैं कि ये मूल है और सब शरीर के क्या है डालिया है। मतलब अगर मूल को पोषण दिया तो पूरा पेड़ अच्छा तैयार हो जाता है, वैसे यहाँ के सब सेंटर से इसके ऊपर क्रिया करने का, इंद्रियों के ऊपर क्रिया करने का कार्य ये प्राणवायु इंद्रिय का। अगर हमें हाथ हिलाना है तो ये प्राणवायु मन और बुद्धि का संयोग करके फिर मन को वो प्रेरणा देता है, फिर वो अवयव को मन बताते हैं कि तुम्हें हाथ हिलाना है या इस जगह जा रहा है उस जगह जाना है। ये जो संयोग का कार्य कर रहा है ये प्राण के हिसाब से इंद्रिय ध्रुव करा भी। इंद्रिय अगर हम लेते हैं तो हमें पता है पंच ज्ञानेन्द्रिय और पंच कर्मेंद्रिय। पंच ज्ञानेन्द्रिय में है जिह्वा नेत्र नासा कर्ण त्वचा, ये जो है पंच ज्ञानेन्द्रिय है, ये इंद्रिय शिरस्त्र प्राणवायु के कक्ष में रहते हैं। अभी देखिए ये सब क्रिया कहाँ है, नेत्र कहाँ है, नेत्र के हिसाब से नासा कहाँ है, जिह्वा कहाँ है, कर्ण कहाँ है, स्पर्श ये कहाँ है, ये सब जो शिरस्थ प्राणवायु उनकी कक्षा में आते हैं। और ये बाह्य इंद्रिय जो सूक्ष्म केंद्र है शिरस्थ मस्तिष्क में, इसका धारण सूक्ष्म है, उसके जो सेंटर से वो सूक्ष्म है, उस सेंटर का धारण करने का कार्य ये प्राणवायु करता है। और ये प्राणवायु क्या करता है, ये वहां तक पूरी इंद्रिय तक रक्त पुरोठा करने का, प्राणवायु का पुरोठा करने का ये प्राणवायु कार्य करता है। और ये क्रिया कैसे होती है, ये क्रिया देखने के लिए बाह्य जो इंद्रिय है ये शब्द स्पर्शादि जो विषय है उस विषय को लेके हमारे शरीर तक लेके फिर मन को क्रिया, और मन की क्रिया इंद्रिय अपना सब इंद्रियों के अवयव तक लेके जाने के हिसाब से प्राणवायु कार्य कर रहा है। लेकिन ये कार्य कैसे करता है, मैंने कहा सात्विक, जैसे अभी हम जब बुद्धि के हिसाब से देख रहे थे वो कार्य, और ये कार्य हम उस वक्त देखा ही, उसके साथ ये ज्ञानेन्द्रिय का कार्य। ज्ञानेन्द्रिय का कार्य मतलब क्या, हस्तो पादो गुद उपस्थ वागेन्द्रिय, मतलब ये जो है हस्त पाद गुद उपस्थ और जिह्वा, ये क्या है, ये कर्मेंद्रिय है। लेकिन कर्मेंद्रिय के हिसाब से अब देखिए मल और मूत्र जो विसर्जन है इसके ऊपर प्राणवायु का नियंत्रण होता है। अब किसी को एकदम यूरिन एकदम जोर से लगी है, या किसी को मल का वेग बहुत जोर से आया है, वो उसको धारण करने का जो कार्य करता है वो प्राणवायु करता है। विसर्जन करने का काम कौन करता है, अपनवायु करता है। लेकिन कोई भी जो वेग आया हो वेग को रोक के रखने का, कुछ टाइम तक उसको धारण करने का काम ये जो कार्य होता है इंद्रिय को प्राण के प्रेरणा से होता है। अगर प्राण में बिगाड़ आए तो किसी को मूत्र प्रवृत्ति बार बार हो रही है, रुक नहीं रही है, किसी को शय्या मूत्रता भी होती है, किसी को मल रुक नहीं रहा, किसी को पता ही नहीं चल रहा कि मल विसर्जन हो रहा है, ये जो क्रिया होती है ये क्रिया प्राणवायु के बिगाड़ के वजह से, वहां के जो धातु होते हैं वहां शैथिल्य आने के वजह से ये क्रिया में प्रॉब्लम आ रहा है। तो ये जो धारण हो रहा है ज्ञानेन्द्रिय का, और ज्ञानेन्द्रिय के धारण के वजह से जो क्रिया हो रही है ये इंद्रिय ध्रुव ये प्राण के वजह से ये क्रिया होती है। इसलिए कोई भी अच्छा सात्विक जो काम होता है ये प्राण के वजह से होते हैं, ये हम मन में देखेंगे। इसलिए मैं थोड़ा अभी इसमें सूक्ष्म उसमें थोड़े हिसाब से बता रहा हूं। हम आते हैं थोड़ा चित्त ध्रुक। चित्त मतलब मन का धारण कर रहा है ये, और मन का धारण करते हुए ये प्राणवायु कार्य कर रहा है। ये मन शिरस्थ मस्तिष्क में है, बराबर शिरस्थ मस्तिष्क कई जगह बताया है। ये जो मन है ये कहाँ है,
ये मन है हृदय में। कौन लोग कहते हैं हृदय मन में है, हृदय में मन है और शिरस्थ में मन है, लेकिन ये दो टाइप के हैं, शिरस्थ मन और हृदयस्थ मन। भेद सही में शिरस्थ मन बता है और कई जगह हृदयस्थ मन बता है। हृदयस्थ मन और शिरस्थ मन में फर्क क्या है? अगर हमें कोई भी भावनिक या दिल से काम करना है तो हृदयस्थ मन काम कर रहा है। किसी चीज हमें अगर कोई हमें पसंद है तो एकदम फर्स्ट एट लव सर बोलते ना हम कि देखा रुपा, ये हो गया दिल से हो गया, मतलब विद इन कुछ मिनट में कुछ सेकंड में ये जो कार्य होता है, ये भावनिक जो क्रिया होती है ये दिल से होते हैं हम कहते हैं। लेकिन जो प्रैक्टिकल अप्रोच होता है कि इसका को, देखो कोई लड़के और लड़कियां ऐसे होते हैं कि हाँ जब शादी करना होता है तो वो लड़का कैसा है, वो लड़की कैसी है, उसका घर कैसा है, ये क्या हो रहा है, ये प्रैक्टिकल अप्रोच हो गया। ये जो प्रैक्टिकल अप्रोच होता है ये सिरस्थ है, इसलिए हम क्या कहते हैं, कहते हैं कि अरे दिमाग से सोचो, दिल से मत सोचो। ये दिल से सोचा तो भावनिक होता है और दिमाग से जब हम सोचते हैं वो प्रैक्टिकल होता है, इसलिए सोचने के लिए भी जो प्राणवायु होता है वो सिरस्थ जो प्राण है। दिमाग से सोचो, हर एक क्रिया प्रॉपर और प्रैक्टिकली होगी और ये प्राण वायु प्रैक्टिकली कार्य करवा के लेता है। और इसका जो कार्य है ये क्या काम करता है, इंद्रिय जो ग्रहण कर रहा है, विषय का ग्रहण कर रहा है, ये विषय समझ के लेके, ये जो ज्ञान है आत्मा के तरफ लेके जाने वाला, ये मन को और बुद्धि को संवेदना के मन बुद्धि को संयोग करके आत्मा के तरफ लेके जाके ये मुझे क्रिया करनी है और ये क्रिया इस अवयव को बताना, ये मन चित्त का काम है। और मन को अच्छे विषय के तरफ लेके जाना, प्रवृत्त करना, ये कार्य भी प्राणवायु का है। अगर प्राणवायु अच्छा है तो आप अच्छी ही क्रिया करेंगे, आप गलत क्रिया नहीं करेंगे। क्योंकि क्या कहा है यहाँ, ये देखिए इसमें एक बताया गया है कि जो मन के हिसाब से देखेंगे, पवन रजो गुणमया किसका है, पित्तम सत्व गुणोत्तरान कफ तम गुणाधिक्यम। ये त्रिगुण बता है, क्या है सत्व गुण, ये त्रिदोष में पित्त का गुण है, तेज का प्रकाशक है, ज्ञान प्रवर्तक है, रज वात का है जो प्रेरणा दे रहा है मूवमेंट के हिसाब से, तम ये कफ है जो स्थिरत्व लाता है हमें, जड़त्व लाता है और आवरण पैदा करने वाला ये है। लेकिन सत्व ये मन का गुण है और रज तम ये मन के दोष है। सात्विक मन जो होता है ये आहार विहार जो है प्रॉपर नियंत्रण में लाता है, मुझे ये आहार करना है, मुझे ये आहार करने से मुझे फायदा ही होगा, ये मुझे आहार करने के बाद तकलीफ होने लगी, मैं आहार नहीं करूंगा, ये कौन रह रहा है, सत्व जो मन है, जो शरीर का गुण है, ये गुण निर्णय ले रहा है। जब गुण सत्ववान होता है, ये प्राणवायु के प्रेरणा के क्या प्राणवायु से ही सत्व गुण प्रधानता होती है, जो इंद्रिय को प्रॉपर कार्य की तरफ, मतलब विहार भी कर रहे हैं। विहार मतलब कैसा, देखिए अगर कोई क्रिया अच्छी है, समझे हमें वारी को जाना है, वारी में हमें चलना है, लेकिन जो सत्ववान मन होता है नहीं यार ये बहुत अच्छा है, हम वहां जाएंगे और वहां ये जो हमारे कर्मेंद्रिय, उस कर्मेंद्रिय से हम ये क्रिया करवा के लेंगे, ये मन को ये कार्य प्राणवायु के प्रेरणा से ही होता है। जब ये सत्व गुण युक्त होता है तो ही मन प्राण की क्रिया से अच्छे क्रिया की तरफ जाता है। चलो हमें नमस्कार करना है, नमस्कार करना है तो क्या है कि मन कहता कि ये अच्छी क्रिया है कि आप भगवान को नमस्कार करो, वो जो आपको बात करनी है, अच्छे मंत्र उच्चार करने हैं, ये जो कार्य है ये सत्व गुण के हिसाब से सात्विक कार्य। सात्विक क्या कार्य होता है, क्योंकि प्राण का गुण है सूक्ष्म है, लघु है और विशद गुण है। विशद गुण मतलब क्या, यस्य क्षालने शक्ति सविशदा, क्षालने मतलब क्या, स्वच्छ एकदम क्लीन नीट, मतलब स्फटिक जैसा एकदम शुद्ध जो हमारे शरीर में है वो प्राण है।
वो सात्विकता के हिसाब से वो प्राण है, हमारे सर्वश्रेष्ठ शुद्ध जो रहता है वो प्राण है, और वो शुद्ध प्राण शुद्ध क्रिया करने के लिए ही ज्ञानेन्द्र को बताता है, शुद्ध क्रिया करने के लिए ही कर्मेंद्र को बताता है, और उनसे वो कार्य करवा के भी लेता है। और जब ये रज और तम के गुण बढ़ते हैं, और रजक और तम और गुण बढ़ते हैं, तो प्रज्ञा प्राप्त होता है। असात्म इंद्रिय संयोग ये जो है ये मन के वजह से प्राणवायु कम होने के वजह से ये करवा के लेता है। अगर प्राणवायु अच्छा नहीं है तो ये क्रिया नहीं होती, क्योंकि मन चित्त जो है वो क्या करता है, ये चिंतन करना इसका कार्य है, योग्य विषय का विचार करना भी इसका कार्य है, और निश्चय करना भी बुद्धि का जैसे इसका काम है, धी ध्रुति स्मृति को भी ये मन के प्रेरणा बुद्धि से ये भी इसका कार्य है, ये नियंत्रण इसके ऊपर है। और साम्य अवस्था जब प्राण की प्राणवायु की साम्य अवस्था होती है, मन ज्ञानेन्द्रिय मार्फत योग्य निर्णय करके मन विषय को आकर्षित करता है, मतलब योग्य विषय को मन आकर्षित करता है प्राणवायु की प्रेरणा की वजह से। इसलिए इसको क्या कहा है, जब प्राण साम्य अवस्था में होता है तो नियंता प्रणेता च मनसहा, क्योंकि ये नियंत्रण करने वाला मन का ये है, इसलिए इसको कहा गया है नियंता प्रणेता च मनसा। जब प्राणवायु ये इस मन को धारण करता है तो कौन सी क्रिया प्रॉपर होती है, मन एकाग्रता। जब प्राणवायु कम हो जाता है शरीर से तो, या प्राणवायु प्रॉपर तरीके से मन को धारण नहीं करता तो मन की एकाग्रता कम हो जाती है। अब पढ़ाई कर रहे हैं, एकाग्रता कम हो रही है तो प्राणवायु के प्रेरणा की वजह से होती है। आकलन शक्ति कम हो जाती है, ये प्राणवायु का धारण कम होने के कार्य में, धारण कम होने के वजह से होता है। और स्मृति कम होना ये भी प्राणवायु के इसकी धारण शक्ति कम होने के वजह से, ये तीनों गुण है, मतलब मन की एकाग्रता, आकलन शक्ति में, स्मृति में भी इसमें प्रॉब्लम, जब प्राणवायु का धारण कार्य प्रॉपर न होने के वजह से ये कार्य होता है शिरस्त प्राण। और ये जो मन का स्थान बताया, जैसे मैंने हृदय मनसा स्थानम, मतलब जो शिर और हृदयस्थ है उसके हिसाब से हमने बताया है, क्योंकि मनोह स्त्रोतस के बारे में बताएंगे तो बताया कि मन है ज्ञानेन्द्रिय और पंचेन्द्र, ज्ञानेन्द्रिय और कर्मेंद्रिय है, इसके संबंधित है। तो इस मन को हर एक जगह जाना है, अगर मैं कुछ क्रिया हाथ से उठा रहा हूं तो इस कर्मेंद्र के पास जा रहा है, पैर से चल रहा है उस कर्मेंद्र के पास जा रहा है, आंखों से देख रहा है उस ज्ञानेन्द्र की तरफ जा रहा है, मतलब ये मन पूरे ज्ञानेन्द्र के तरफ कर्मेंद्र के उसको जाना पड़ रहा है। इसलिए इस प्रत्येक इंद्रिय में इस मन का स्त्रोतस होता है और इसको मनो स्त्रोतस कहते हैं। और ये स्त्रोतस मनो स्त्रोतस पूरे शरीर में होते हैं और पूरे शरीर में ये क्रिया करता है। इसलिए मन का कार्य बताए, चिंत्य मतलब क्या करना है, इंद्रिय और विषय का संबंध आने के बाद क्या करना है क्या नहीं करना है, उसके हिसाब से विचार करना है कि अब ये निर्णय लेना है नहीं लेना है, और लास्ट में संकल्प कि क्या है कि उस संकल्प मतलब संकल्प विकल्प का अंतकरण उत्ति, मतलब इस विषय के गुण दृष्टिया दोष दृष्टिया इसका विवेचन करके वो ग्रहण करके उसका निश्चित संकल्प करके वो व्यक्त करना, ये जो कार्य है मन का ये प्राणवायु की प्रेरणा से प्राणवायु की क्रिया से होता है। इसलिए ये मन जब प्राणवायु अच्छा है तो सात्विक क्रिया की तरफ, प्राणवायु मन का प्रॉपर धारण नहीं करता तो अनिष्ट विषय की तरफ वो लेके जा रहा है और निवृत्ति कर रहा है और ये कार्य करवा ले रहा है। इसलिए हृदय ध्रुक, बुद्धि ध्रुक, इंद्रिय ध्रुक और चित्त ध्रुक, ऐसा इस हिसाब से ये कार्य कर रहा है। अब जाते हैं थोड़ा, सब लोग बोलते हैं अभी इन्होंने एक जो बताया, स्थिवन शौत उद्गार निश्वास अन्न प्रवेश कृत, ये जो है ये ऐसा ही है, ऐसा नहीं है, क्योंकि हमने देखा है कि एक एक ले लेते हैं, पहले स्थिवन लेते हैं। स्थिवन स्पिटिंग मतलब क्या, थूक या स्पिटिंग। अब एक बताइए, अगर कोई भी पदार्थ मुंह में हो उसको हमें थूकना है या स्पिटिंग करना है तो ये जो क्रिया होती है ये प्राणवायु की प्रेरणा से होती है। अगर हमें स्पिटिंग करनी है तो क्या हो जाएगा, आप ये क्रिया करके देखिए उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है, ओष्ठ इंपॉर्टेंट है, गल इंपॉर्टेंट है, और उसके साथ ये कौन से जिह्वा इंपॉर्टेंट है, ये तीन जो जिह्वा ओष्ठ और गल, यहाँ जो प्राणवायु है उस
उसको क्या करता है, उस नाई को जो धमनी है उसको कार्य प्रवण करता है, और कार्य प्रवण करने के वजह से ये जो अंदर कोई भी कफ हो जो प्राण की क्रिया में आया हुआ है, समझ गए, ये प्राण की क्रिया में आया हुआ जो कोई डिस्टर्बेंस हो उस डिस्टर्बेंस को वो बाहर निकलता है, इसके वजह से प्राण अंदर आने में प्रॉब्लम नहीं आता, मुख से प्राण आने में कोई दिक्कत नहीं होती, ये स्पिटिंग के वजह से है। अगर ये प्राण यहाँ नहीं रहता, अगर जिह्वा में, गल में या ओष्ठ में अगर प्राण नहीं होता तो प्राण प्रकोप जो व्याधि बताए उसमें क्या बताए, अर्धित व्याधि बताए। अगर अर्धित व्याधि होता है तो मुझे बताइए ये स्पिटिंग कर सकते हैं, नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें गल, जिह्वा और ओष्ठ पैरालाइज हो जाता है। अब जब पैरालाइज होता है, ये प्राण प्रकोपजन्य व्याधि होने की वजह से ये क्रिया नहीं हो पाती, इसके वजह से अगर कोई भी अंदर कोई डिस्टर्बेंस हो प्राण अंदर जाने के लिए, उसके लिए हमें किसी यंत्र से वो कप निकालना पड़ता है, इजी वो कार्य बॉडी नहीं कर पाती, क्योंकि ये स्पिटिंग का कार्य नहीं करते तो प्राण भी प्रॉपर नहीं जा पाता, कोई जो मार्गावरोध है मार्गावरोध प्रॉपर जो है वो क्लियर नहीं हो पाता, इसलिए इसका इम्पोर्टेंस ये इस प्राणवायु के क्रिया में उसको बताया है। स्थीवन शिवतु, शिवतु बन क्या मतलब, शिवतु मतलब छींग, स्नीजिंग, स्नीजिंग करना मतलब क्या है, देखिए आपने कुछ भी चीज हो आप नाक में डालो, नाक में डालने के बाद क्या होता है, छींके आती है, छींके आती है मतलब क्या होता है, कोई भी धूल हो या कुछ भी जहाँ जाके अटक जाता है तो उससे क्या होता है, अंदर के जो स्किन होती है जो एकदम सेंसिटिव होती है, सेंसिटिव होने की वजह से वहाँ की जो प्राणवायु की जो धमनी होती है उसको क्षोभ आता है, और उसमें क्या होता है ये अड़थड़ा मतलब डिस्टर्बेंस आ जाता है प्राणवायु अंदर लेने के लिए, और वो प्राणवायु को अंदर लेने के लिए जो डिस्टर्बेंस होता है, डिस्टर्बेंस के वजह से वो छींके आती है, डिस्टर्बेंस के वजह से वो छींके आने के वजह से वो मार्ग खुला हो जाता है। इसलिए देखिए हम कभी नस्य करते हैं, नस्य नासा ही शीर्षोदारम, नस्य जो करते हैं हम वो डायरेक्ट प्राणवायु पर क्रिया करता है, नस्य कार्य प्राण, क्योंकि ये भी अंदर ले रहा है, देखिए कोई भी क्रिया आप अंदर बूंद बूंद में ले रहे हैं वो सब क्रिया प्राणवायु के ऊपर जाती है, ये क्रिया क्या होती है प्राणवायु की, मतलब नस से कर रहे हैं, मुंह से बूंद बूंद अगर पानी भी ले रहे, बस्ती भी कर रहे, जो रसायन यापन बस्ती बताए, यापन बस्ती जो बताए मुस्तादी यापन बस्ती कैसा कहा है, जो बाल है राजा लोग है उनको यापन बस्ती बताए, वो कैसे देने के लिए कहा है, बूंद बूंद देने के लिए, क्योंकि बूंद बूंद देने के बाद वो कोई भी चीज डायरेक्ट प्राणवायु पे, जैसे आप सलाइन भी दे बूंद बूंद जाए वो क्या कर रहा है प्राणवायु पे कार्य कर रहे हैं, मतलब कोई भी चीज अंदर जा रही है प्राणवायु पे अनुलंब गति से कार्य कर रही है, बूंद बूंद से जा रही है वो भी कार्य प्राणवायु के हिसाब से जाते हैं। अब ये कैसे प्राणवायु पे कार्य कर रहा है, नस से कैसे प्राणवायु पे काम करता है, देखिए अगर थोड़ा रुमाल में क्लोरोफॉर्म ले लीजिए और थोड़ा सूंघ लीजिए क्या होता है, देखिए क्या होता है उसमें प्राणवायु की वजह से वो बेशुद्ध हो जाता है, क्योंकि वो नस्य से जो सांस ले रहे उसका डायरेक्ट कार्य प्राणवायु पे होता है, बस्ती होता है, उसके वजह से वो क्या हो रहा है बेशुद्ध हो रहा है। तो ये जो क्षवतु बताया है, क्षवतु इतना इंपॉर्टेंट प्राणवायु के लिए है कि कोई भी मार्गावरत हो, कोई भी धमनी का क्षोभ हो प्राणवायु के, वो क्षोभ क्लियर करके वो श्वास जो हो बाह्य जो प्राण हो जो बाह्य प्राण अंदर तक प्रॉपर लेके जाने की क्रिया वो कौन कर रहा है, वो प्रॉपर तरीके से ये वायु कर रहा है, और वो वायु हमें क्रिया करने के लिए प्राणवायु जो है ये क्रिया करता है, और प्राण की क्रिया प्रॉपर होती है, इसलिए क्षवतु। अब देखिए कहाँ कहाँ से वो निकाला, पहले मुंह से क्या किया, स्पिटिंग किया, फिर स्नीजिंग हुआ क्षवतु वजह से। अब एक कार्य दिया, स्थीवन क्षवतु उद्गार, उद्गार क्यों है दिया है बताइए आप, अभी उद्गार देने का मतलब बेल्चिंग जो कहा है डकार देना, डकार देना क्या है, क्यों आया प्राणवायु के लिए। चलो हम कोई खाना खाते हैं, खाना खाने के हिसाब से हमने खाना खा लिया, हमने पानी भी पी लिया, जब हम खाना खाते हैं पानी पीते हैं, खाना खाते पानी हम कोई वायु भी निगल लेते हैं उसके साथ, हम वो वायु निगलते हैं, तो वायु निगलने के बाद क्या होता है, कभी कभी इस प्राणवायु को भी इसमें अवरोध हो जाता है, तो अवरोध होने का
जो अवरुद्ध हो और उसकी क्रिया प्रॉपर हो, अन्न की क्रिया प्रॉपर हो, इसके वजह से ये उद्गार है। देखिए वहां का जो अवरोध है वो प्रॉपर करे, वहां का जो स्नायु का स्तंभ आया हो वो प्रॉपर करे उद्गार के प्रेरणा के वजह से। देखिए स्थिवन क्षवतु मतलब गले में जो अवरोध आया वो प्राण के, हम कहीं जा रहे हैं चलते 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 अब जा रहे हैं तो हम कहीं जंगल से गुजर रहे, जंगल से गुजरते वक्त हमने क्या किया, हम जा रहे हैं तो हमारे हाथ को जो जो आया हमने क्लियर कर लिया तो हम आगे जा रहे, हमारे पैर के यहां जो कोया हमने पैर से क्लियर किया हम आगे जा रहे हैं, हमारे मतलब जहां जा क्योंकि हमें आगे तो जाना है और हमारी क्रिया हमें लास्ट तक लेके जाना है, ये हम जब अगर वो बाजू नहीं कीते तो हमें एक तो तकलीफ होगी और हम आगे जा भी नहीं पाएंगे। इसके हिसाब से ये प्राण की क्रिया करते वक्त ये जो कोई भी बीच में जो मार्गावरोध है वो मार्गावरोध भी वो खुद प्राण निकलता है, क्योंकि हमें आगे जाना है तो हमें बाजू करना है, हमें क्लियर करना है, इसलिए मुंह में जो अवरोध है वो स्टीवन के वजह से, नाक में जो क्षवतु वजह से और अन्न नलिका तक यहां तक जो अवरोध है वो किसके वजह से, उद्गार के वजह से, नकार के वजह से वो अवरोध दूर करता है प्राणवायु और अपनी खुद की क्रिया प्रॉपर करता है। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट कार्य है, इसलिए इसके कार्य में स्थिवन क्षवतु उद्गार, मैंने कहा कि ये जो क्रिया है उस स्नायु को विकसित करना ये उसका काम है, उस वायु को क्रिया तक शिरस्त प्राणवायु लेता है वो क्रिया करने के लिए उसको प्रेरणा देता है, शिरस्त प्राण के वजह से होता है, इसलिए इसका ये कार्य इंपॉर्टेंट है। ये कार्य इंपॉर्टेंट कैसे, जब अन्न प्रवेशकृत हम देखेंगे तब ये कार्य समझ में आएगा, तो वो देखते हैं। उसके साथ निश्वासकृत स्थिवन क्षवतु उद्गार, निश्वास अन्नकृत अन्न प्रवेशकृत, हम निश्वास, निश्वास के बारे में तो पहले हमने देखा है कि निश्वास जब मतलब श्वास ले रहे हैं तो नाक से, मुख से, मुखविवर से, कंठ नाड़ी, फुफ्फुस तक ये श्वास जा रहा है और वो श्वास जाते हो क्या कर रहा है, शिरस्त प्राण, प्राण क्या कर रहा है, वो जो अवयव है, जो स्नायु है, कंठ नाड़ी में स्नायु है, उस स्नायु को विकसित करता है। उस वक्त ये जो सांस लेते हैं तब तक उधर नाभिपटल और उर की जो पेशी है उसको स्नायु को विकसित करता है और सांस अंदर जाती है, इसको क्या कहते हैं, जो निश्वासकृत। और ये जो प्राण द्रव्य है मतलब बाहर का जो प्राण द्रव्य है ये शरीर में आके पूरण करता है शरीर का, इसलिए प्राणवायु कहा है, इसलिए इसको प्राणवायु जीवित कहा है, ये पूरण करता है, ये निश्वास से अंदर आता है इसलिए इसको कहा है, इसलिए निश्वासकृत। ये आपने देखा क्योंकि इसके बारे में हमने सब डिटेल देखा था, ये हम पहली बार देखे, इसलिए निश्वासकृत के बाद अन्न प्रवेशकृत, ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि बाह्य जो प्राण है उसको अंदर ले लेना ये प्राणवायु का ही कार्य है। मतलब अन्न प्रवेशकृत मतलब अन्न मतलब इसमें जल भी आ गया, इसमें अन्न भी आ गया, इसको अंदर लेना ये क्रिया कैसी होती है, बस खाया इतना ही प्राणवायु का कार्य है क्या, नहीं है ना। ये समझ लेगी कि कहां कहां प्राणवायु को प्राणवायु कार्य करता है, कहां स्नायु तक कार्य करता है, ये हमने समझ लेना, समझ लेना तब तक वो सूक्ष्म हमें अंश समझ में आएंगे प्राणवायु के। ये जो अन्न प्रवेश करता है, जब हम अन्न मुंह से लेते हैं और ये पूरा चर्वण करने का जो कार्य है, पूरा जब मुंह में लेके पूरा चर्वण करने का जो कार्य है, ये पूरा के पूरा जो कार्य है ये प्राणवायु करता है। और फिर ये मुख से जो कंठ है, कंठ नाड़ी में किसके वजह से, जिह्वा जे अंदर ऊपर की जो तालु है और जो गल है वहां के स्नायु का संकोच करके क्या कर रहा है, ये पदार्थ जिह्वा से लेकर अभी वो कहां आ रहा है, कंठ नाड़ी में मतलब अन्न नलिका में आ रहा है। देखिए अगर प्राणवायु आप चर्वण कर रहे हैं मतलब गल है, जिह्वा है, इसके स्नायु का अगर ये कार्य प्राणवायु ने करता तो चर्वण कैसे करेंगे, उसके साथ चर्वण तो कर रहे हैं फिर उसको निकलेंगे कैसे, निकालने के लिए जब कोई भी, अभी आप देखिए करके ये जब क्रिया करते हैं, गल आ गया, जिह्वा आ गया और तालु, तालु को, तालु इसके जो क्रिया है वो यहाँ के जो स्नायु है उसको जब संकोच करते हैं तो ये यहाँ का विकसित हो जाता है, फिर अन्न प्रविष्ट हो जाता है और ये अन्न अन्न नलिका में जाने के लिए तैयार, ये कंठ नाड़ी में है। अब कंठ नाड़ी में जाने के बाद जब अन्न नलिका में है तो यहां से नीचे जाता है तो आप क्या करते हैं, देखिए निकलने के बाद क्या
क्या हुआ यह क्रिया देखिए, यहां क्या क्रिया हुई, यहां क्रिया हुई जो अन्न नलिका है, अन्न नलिका के पीछे वाले जो स्नायु है वो पीछे वाले स्नायु का स्तंभन हो गया, पीछे वाले स्नायु का संकोच हो गया। पीछे वाले स्नायु का संकोच होने के बाद जो अन्न नलिका है, जो यहाँ के जो क्या बोलते हैं वॉल्स रहते हैं, वो वॉल्स ओपन हो जाते हैं और आगे के अन्न नलिका रिलैक्स हो जाती है और वो गले से लेकर अन्न कहाँ जा रहा है, आमाशय में जा रहा है। यहाँ तक पूरी की पूरी क्रिया ये किसकी है, यहाँ तक सब क्रिया प्राणवायु की है, मतलब मुख से चर्वण करते अन्न नलिका से लेकर प्राणवायु तक आमाशय तक लेके जाने का कार्य ये प्राणवायु कर रहा है। यहाँ तक सब ये प्राणवायु की क्रिया है और ये प्रॉपर तरीके से करता है। ऐसा ही श्रेष्ठतम धारण करने वाला हमारे शरीर का ये प्राणवायु है। अब जब आगे का लेक्चर होगा उसमें हम व्यानवायु की क्रिया देखेंगे, लेकिन ये प्राण सर्वश्रेष्ठ सर्वोत्तम है जो धारण कर रहा है। और ये क्या है, उसका श्लोक प्राणान धारयति इति प्राणः, इसका जो स्थान है क्या है, स्थानम प्राणस्य मूर्धोरः कंठम जिह्वा अस्य नासिकः प्राणो अत्र मूर्धगा, जो सिर में रहता है उर, इसका जो संचार क्षेत्र है उर कंठ चरो, जहां जहां संवेदना है, जहां जहां स्पर्श है, सब ज्ञानेन्द्र के और कर्मेंद्र के यहाँ इसका संचार है। उसका कार्य है बुद्धि हृदय इंद्रिय चित्त द्रुक स्थीवन क्षवत उद्गार निश्वास अन्य अन्न प्रवेश कृत, ये सब क्रिया इस प्राण की है। ये सब हमने आज प्राणवायु के हिसाब से देखा, ये सर्वश्रेष्ठ प्राणवायु हमने देखा। ये जब ये जो व्याख्यान या लेक्चर जो मैंने सब डिटेल बताया, ये सब मेरे गुरु सदगुरु सदगुरु और गुरु की प्रेरणा के प्रेरणा से हुए, ये सब जो कार्य है मैं उनके चरणों पर अर्पण करके ये व्याख्यान यही रुकता हूँ। नमस्कार।